फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईटी कंपनी के बारे में जिसने अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड से मालामाल किया है और लाइफ में पहली बार ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को बोनस देने जा रही है। क्योंकि फ्रेंड, इसने जो अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है, 36 बार ये अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दे चुका है, तो ये पहला मौका है जो ये कंपनी अपने इन्वेस्टर के लिए बोनस अनाउंस करने वाली है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में अपडेट की जाती है और आप मॉर्निंग में ही जान जाएंगे कि आज किस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद जब कंपनी रिजल्ट प्रेजेंट करती है तो सबसे पहले इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में फ्लैश की जाती है कि इस कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है। तो इस चैनल पे आप सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी ले सकते हैं कि आपके स्टॉक का रिजल्ट किस तरह का रहा है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके इस चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी ने जो पहली बार डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को दिया था वो 27 नवंबर 2000 को, और लास्ट बार इस कंपनी ने जो अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया था वो इसी ईयर 15 जून 2022 को 13 रुपए का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को ये कंपनी दिया है। फ्रेंड्स, तो पहली बार ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को बोनस देने जा रही है। जिस दिन ये अपने जून क्वार्टर का रिजल्ट प्रेजेंट करेगी उसी दिन ये कंपनी बोनस के बारे में भी अनाउंस करने जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी अंदर से कितना स्ट्रांग है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का पकड़ वर्ल्ड में है। इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है वो यूएसए से 52%, यूरोप से 30% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 18% इनका रेवेन्यू जनरेट होती है। और इस कंपनी का जो ग्रोथ है फ्रेंड्स, वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए जा रहा है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो ग्रोथ है दिसंबर 2020 से लगातार इन कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ते हुए जा रहा है। इनके नेट प्रॉफिट में गजब का उछाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी ने दिसंबर 2020 में जो अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था वो सिर्फ और सिर्फ 54 करोड़ का पोस्ट किया था, जबकि उस दिन से इनका हर क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए जा रहा है। पिछले मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने जो अपना टोटल नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो 101 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना बड़ा उछाल दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स, मंडे 25 जुलाई को इनका बोर्ड मीटिंग होने वाला है, जिसमें रिजल्ट के साथ साथ बोनस के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा और उस पे अंतिम मुहर लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये पहली बार होगा कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को बोनस अनाउंस करेगी। और इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन सारे कंट्रीज में इनका अच्छा खासा पकड़ है, लेकिन सबसे ज्यादा इनका जो पकड़ है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, जहां से इन्हें 52% की रेवेन्यू जनरेट होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शॉर्ट में इस कंपनी के फंडामेंटल को भी एक नजर में देख लेते हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल किस तरह का है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इस कंपनी का अभी करंट में मार्केट कैप 7,564 करोड़ का है, जबकि इनका करंट प्राइस 719 रुपया अभी है। और ये कंपनी जो अपना हाई लगाई है वन ईयर में वो 1030 रुपये का, और लो ये कंपनी अपने वन ईयर में जो लगाई है वो 610 रुपये का। वहीं इस स्टॉक का स्टॉक पी अभी 20.3 का है, और ये कंपनी जो अपना डिविडेंड यील्ड यहाँ प्रेजेंट किया है वो 2.92% का, जबकि इनका फेस वैल्यू अभी 1 का है। वहीं अगर बात करेंगे इस कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, इट मीन्स कर्ज कितना है, तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर कर्ज न के बराबर है, क्योंकि रिजर्व के सामने इनका जो कर्ज है वो कुछ भी नहीं है। और इस कंपनी का जो डेप्ट है वो 159 करोड़ का, जबकि इनके पास रिजर्व है और 1089 करोड़ का इस कंपनी के पास शानदार रिजर्व भी पड़े हुए हैं। वहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे, इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 28.2% है, जबकि इसमें पब्लिक की होल्डिंग 42.8% है। आईआईएच की होल्डिंग 12.9% है, जबकि इसमें डीआईएच की होल्डिंग 15.0% है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होल्डिंग का कॉम्बिनेशन है वो कितना शानदार देखने को मिल रहा है। यहाँ एफआईएच के पास भी शानदार होल्डिंग है और डीआईएच के पास भी शानदार होल्डिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, उस न्यूज़ की हम चर्चा कर लेते हैं जो न्यूज़ निकल के आई है इस स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, आपके सामने ये न्यूज प्रेजेंट हो रहा है जो इस कंपनी के द्वारा बीएससी को सूचित किया गया है। फ्रेंड्स, मंडे 25 जुलाई 2022 को इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ बोनस के ऊपर में भी मुहर लगने जा रही है। तो अगर कंपनी ने बोनस दिया तो डेफिनेटली ये पहली बार होगी इस कंपनी के लाइफ में कि इसने अपने इन्वेस्टर को बोनस दिया हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।